आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक है आगरा कैंट। आगरा की इस सुरक्षित सीट पर पिछले दो बार से बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, इसलिए इसे बीएसपी का गढ़ माना जाता है। बीएसपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यहां से गुटियारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगरा कैंट में साल 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में बसपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। हालांकि हमने बसपा के प्रत्याशी से इस बार भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने चुनाव प्रचार में काफी बिजी थे। उनका यही कहना था कि वो जीत रहे हैं और उनका मुकाबला किसी से नहीं है। बीएसपी की इस मजबूत सीट को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले चंद्रसेन टपलू को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जिस दिन टिकट मिला उससे अगले ही दिन उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद एसपी कांग्रेस गठबंधन ने यहां चंद्रसेन की पत्नी ममता को प्रत्याशी घोषित किया है। ममता टपलू भी 2010 में पार्षद रह चुकी हैं। आगरा कैंट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो प्रत्याशी मैदान में है वो है ममता टपलू। ममता जी के पति को टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी आकस्मिक डेथ हो गई, इसके बाद में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे पति श्री चंद्रसेन टपलू जी ने इस क्षेत्र में, छावनी क्षेत्र में काफी विकास कराया है, और उनके अचानक चले जाने से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जनता चाहती है कि उन्हें एक ऐसा प्रत्याशी मिले जैसे मेरे पति श्री चंद्रसेन टपलू जी थे। वो विकास चाहते हैं और ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमेशा उनका साथ दे, और मुझे वक्त बहुत कम मिला है क्योंकि अचानक से मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर पिछले साल हार का मुकाबला करने वाले जीएस धर्मेश पर दाव लगाया है। धर्मेश जी ने 2012 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दौरान हार गए थे। धर्मेश जी, पिछली बार से क्या बदला है? उम्मीदवार आप एक बार फिर से बने हैं, कुछ बदला है? काफी कुछ बदला है। पिछली बार मैं मात्र 4000 वोटों से हारा था, और वो भी इस वजह से हारा था कि जो उसका बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था उसने राजस्थान से ला करके फर्जी वोट, यहाँ पे 30,000 फर्जी वोट बनवा लिए थे।